cassettes. सिर्फ नकार ही सुना, धीरे धीरे
बोली रघुनंदन से मुझसे शादी लो करार। अभी तलक में रही कुंवारी पत्नी अपनी लो बना। राक्षसी, मेरी भाभी पर झपटती है, मैं तेरी दुर्दशा बना दूंगा। ये ले। स्वामी, वो देखिए, वो कितना सुंदर मृग घूम रहा है। जाइए ना स्वामी, उसे मारकर उसकी खाल ले आइए, आसन में बैठने के काम आएगी। स्वामी, सीते, यहां राक्षस वन में विचरते रहते हैं, अपनी माया फैलाते रहते हैं। तनिक विचार करो, क्या मृग भी भला कभी सोने का होता है? तुम नहीं मानोगी। लक्ष्मण, तुम सीता का ध्यान रखना, मैं मृग के पीछे जा रहा हूं। जो आज्ञा भैया। मृग मारे ने चले रा
विचार। भनक पड़ी सीता के कानन और लक्ष्मण से कही सुना, भाई तुम्हारे है संकट में उनकी जाकर करो सहार। बार बार लक्ष्मण समझाते मगर जानकी मानी ना, रेखा खींच लखन चल दीने और जंगल को पहुंचे जा। दूर का मैं हूँ जोगी, मुझको कुछ भिक्षा मिल जाए, लेकर भिक्षा आई जानकी। रावण हाथ दिया फैलाए, पकड़ कलाई जनक सुता की। विकट राक्षस रूप दिखाए, रथ बैठा कर फिर दस बंधर। गढ़ लंका को चला लिवाए, राम राम हा राम पुकारी। हाय लक्ष्मण ले बचाए, लड़ो जटायु है रावण से। पंख कटे धरनी गिर जाए, लड़ो जटायु है रावण से। हाय राम राम मेरे राम, तुम कब आओगे? तुम्हारे दर्शन के बिन प्राण अटके गए। आ जाओ प्रभु, इस गीत का उद्धार करो। राम राम। भैया लक्ष्मण, तुमने ये क्या किया? बार बार समझाने पर भी तुम सीता को अकेले छोड़ आए। भैया लक्ष्मण, सीता कहाँ है? सीते, हाय सीते कहाँ हो? हे लताओ, हे पर्वतो, हे वृक्षो, हे पशु पक्षियों, क्या तुमने कहीं मृगनयनी सीता को देखा है? अरे देखा है तो मुझसे कहो सीते। हनुमान,
तुम अपनी विद्याओं में सक्षम हो, जाओ और उन दोनों तपस्वियों की बल और छल की परीक्षा लो। हाँ, अगर कोई खतरा समझ में आई तो मुझे संकेत करना। जो आज्ञा वानरराज, आप तनिक भी चिंता ना करें। आप निश्चिंत होकर कफी भालुओं के साथ यहीं बैठें। कहे पवन सुत राम लखन से अपना परिचय देओ बता। कैसे बन बन भटक रहे हो, सारा हाल का हो समझा। कही हकीकत हनुमान से रामचंद्र ने सब बतला। यहाँ हरी निश्चर वे देही जिसे खोजने हम यहाँ। गए रंज में छाए, कहे राम जी हनुमान से अपने परिचय देओ बताए। बानर रूप धरे हनुमाना, चरण पकड़ के क्षमा मंगाए। कही हकीकत हनुमान ने, सारा हाल दिया समझाए। ऋषि मुख पर्वत पर स्वामी, मेरा तो रहवास कहा है, वही सदा सुग्रीव रहत है। चलो संग में दया के सागर, हे इष्ट देव श्री राम, मैंने आपकी परीक्षा अनजाने में ली है। प्रभु मुझे क्षमा कर दें तथा अपनी सेवा का अवसर प्रदान करें। प्रभु मुझे सेवा का अवसर प्रदान करें। तुम्हारा इसमें दोष नहीं है हनुमान, तुमने अपने राजा की आज्ञा का पालन किया है, और भूल तो अनजाने में होती है। जी।
चंद्र जी हमसे प्रीति कर है कि ना है पवन सुत हनुमत लाल ने दई दो नाऊ की दशा सुनाए अग्नि देव को मान साक्षी और मित्रता दई कराए अग्नि देव को मान साक्षी। हे वानरराज सुग्रीव, हमने जानकी को बहुत प्रकार से ढूंढा पर जानकी का कहीं कोई पता नहीं चला। उन्हीं की खोज में हम वन वन भटकते हुए आपके दरवाजे तक आ पहुंचे हैं। यदि आपने जानकी को कहीं देखा है सो कहें। हे नाथ, आप चिंता ना करें, माता जानकी शीघ्र मिल जाएंगी। एक बार मैं मंत्रियों सहित बैठा था, कुछ विचार कर रहा था, तब मैंने आकाश मार्ग में जाती हुई पराय वश में बहुत ही व्याकुल विलाप करती हुई जानकी को देखा था। प्रभु, बाली ने दानव छुपा गुफा में जाए मुझको समझाया था बाली ने 15 दिवस तक देखना पाठ मुझको समझाया था बाली ने। हे करुणा सिंधु, मैं 1 महीने तक वहां रहा, तब उस गुफा में बड़ी भारी खून की धार निकली। मैंने समझा कि बाली को उसने मार डाला और तब आकर मुझे भी मारेगा। मैंने एक भारी शिला उस गुफा के द्वारे में लगा दी और वहां से भाग निकला।
कर रही कुछ ना है, मायावी का मर्दन करके लौटा बाली घर को आए। बाली के वापस आते ही तो जीवन संकट में पड़ जाए, बना मैं राजा तो बाली मन उपजा भेदभाव है आए, बना मैं राजा तो बाली मन। हे रघुनाथ, उसने मुझे वैरी के समान बहुत मारा और मेरा राज पाट धन वैभव और यहाँ तक मेरी स्त्री को भी छीन लिया है। हे कृपालु राम जी, उसके डर से मैं सब लोकों में बड़ा व्याकुल होकर फिर रहा हूँ। यहाँ वहाँ श्राप के कारण नहीं जाता, मैं भी यहां घबराया हुआ रहता हूं। हे सुग्रीव, सुनो, मैं बाली को एक ही बाण से मार डालूंगा, उसके प्राण ब्रह्मा और महादेव की शरण में भी जाने से नहीं बच सकेंगे। जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते, उनको देखने से भी बड़े भारी पाप होते हैं।
पुरवासी अपने मन में रह घबराए जब यह हाल सुना बाली ने आपे से बाहर दिखलाए जा ललकारा हे बाली ने निर्भय दानव से भिड़ जाए मल्ल युद्ध फिर हुआ दोनों में चार पहर है दियो बिताए घुसा एक हनो बाली ने दानव दो टूंका हुए जाए घुसा एक हनो बाली ने दीनदयाल बाली ने उस महाशक्तिशाली दानव को एक ही घूसे में दो टुकड़े कर दिए जिसे उत्तर दिशा में फेंक दिया ऋषिमुख पर्वत पर ऋषि मातंग के आश्रम में जिस पर दानव का रुधिर गिरा ऋषि उस समय स्नान करने गए थे। आश्रम को अपवित्र देख ऋषि ने बाली को श्राप दिया कि तू इस पर्वत पर आते ही भस्म हो जाएगा, इस कारण बाली यहाँ नहीं आता और उसके डर से मैं यहाँ रहता हूँ। प्रभु सुनत है मन चितलाए हे सुग्रीव सुनो यह रीति तुमको दो कुछ ध्यान करा कभी भी देने और लेने में शंका करना चाहिए ना पाया हो बल जिसने जितना बस उतना वो करता जाए प्रेम सौ गुना उससे करिए जिस पे विपदा पड़ी है यार ऐसी प्रीत करे जो प्राणी सज्जन मित्र वही कहलाए करत सामने बहुत बड़ाई मीठे मीठे वचन सुना पीठ चुफेरत करे बुराई यही कुटिलता परखी जाए ऐसी प्रीति जो दिखलाते दुश्मन से बढ़कर कहलाए जिसका चिंत साफ समझैसा चाल बुटेढ़ी रहा दिखाए टार दियो चिंता को चित से तो कबहु संकट ना आए सुनो सखा था कंजूस राजा और सेवक मूरख हो जाए उल्टा नार मित्र हो कपटी सखा सुग्री तुम सारी चिंताएं फिकर मुझ पर छोड़ दो, मैं हर प्रकार से तुम्हारे काम आऊंगा। ओह।
विष नवाए उन्हीं फलों को बीच राम में। जब बाली ने धरा है जाए एक सर्प ने घेर लिया है, चंद्रमंडलाकार बनाए ऐसा बैठा गुड़ी मार के। दस का मस होता है ना ऐसा बैठा गुड़ी मार के। अरे दुष्ट, तूने मेरा भोजन नष्ट कर दिया और अब तू यमपुर जाना चाहता है। बता मेरा श्राप अपने सिर पर ले कि तेरे शरीर को फोड़ कर ये सातों वृक्ष निकलेंगे। ऋषि मतंग है नाम कहा, धुंधवी की अस्थि पंजर देगा ठोकर मार उड़ा। उसी के हाथों बाली का बद सुनिए अटल सत्य हो जा। नाथ, अब मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि मैं सब त्याग कर दिन रात आपका भजन करूं। सखा, तुम जो कुछ कहते हो वह ठीक है, परंतु मेरा वचन भी कभी झूठा नहीं हो सकता। तुम युद्ध करने अवश्य जाओ। हुआ है दुष्ट, मैं तुझा युद्ध के लिए ललकार रहा हूं। चल बाहर निकल, यदि तुझे अपने बल से अपने बल पर इतना घमंड है तो बाहर निकल और आके मुझसे युद्ध कर। के बल का नहीं सुमार, हे कालों के काल कहावे को न उनसे पावे पार। तारा की विनती ठुकरावे अपना पाव लिए छटकार। ते तेरिया मोरी धर्म के साथी सुन ले तारा बात हमार, जगत पिता के हाथों मरना तनिक नहीं मुझको इनकार।
वज्र प्रहार कपिराज व्याकुल हो भागा। रहा प्रभु से अरज गुजार हे कृपालु दीन दयालु, एक आसरा तुम्हारी हमार सुनो सका हे रत में खाऊं। रूप एक ऐसा दिखे तुम्हार काया कर दई है बलशाली, पहना दई फूलन की हार विकट युद्ध हुआ दोनों में तो। ये कठोर वाण का प्रहार किसने किया? सुग्रीव, तूने मेरे साथ टों का किया है, चल किया है पत्नी। क्या ये तेरा धर्म कहा है, तुझ पापी को मैंने मारा, इसमें दोष मेरा कुछ ना है, दुष्ट बदे कछु पाप न लागे। ये वेदों की वाणी आए कड़े राम लक्ष्मण दुई भाई, वानर भालू संग सुहाए ऐसी दशा भई बाली की, जिसका हाल कहने जाए दर्शन पाए प्रभु के। बाली धन्य धन्य हो जाए दर्शन पाए राम प्रभु के। ए दया के सागर, तूने दर्शन देकर मेरी आंखें खोल दी, वही कृतार्थ हो गया। ए करुणाधान, मेरे तन में बहुत पीड़ा हो रही है, अब मैं जीना नहीं चाहता, प्रभु मेरा उद्धार करो, मेरा उद्धार करो। हे प्रभु, आप मुझसे तो कहते मैं माता सीता को रावण से पल भर में मुक्त करा के ले आता, उस निचाचर को मैं दंडित करता। सुनी तारा ने बहुत गई है
की है की सो की तब तारा ने कही सुना, जिसके आगे तुम चलते थे उन्हें छोड़ कहां भागे जा। हे महारानी तारा, महाराज वाली मारे जाने पर हम सबको बड़ा भय सता रहा है। आप अपने बेटे अंगद की रक्षा के लिए कोई उपाय क्यों नहीं सोचते, वरना हम सब अनाथ हो जाएंगे। तुम्हारा कहना सत्य है, परंतु परमात्मा श्री राम जी की शरण में जाना ही मेरे लिए अति उत्तम है।
में कैसे लग है नैया पार नाथ अनुज की स्त्री हरली। तुमने कर्म किया बेकार उस करनी का यह फल भोगा। छोड़ चले सुत भाई नाथ कष्ट दिया सुग्रीव के दिल को। राजस जबरन दिया निकाल उसका फल या दिखे सामने। काया छिण पड़ी बेकार युद्ध करन के लिए रोका था। तुमको स्वामी बारंबार युद्ध करन के लिए रोका था। ऐसा मत कहो भाभी, ऐसा मत कहो। हाँ महारानी, यह आप क्या कह रही हैं? अरे हम सब तो आपके साथ हैं। जगत की रीत कहाय। बाणों से पीड़ित था बाली केवल स्वास्थ्य की दिखलाए। एक टक वा सुग्रीव को देखे बली बाली कहलाए। हनुमान ने जब तारा को भांति भांति से दिए समझाए। इस पर जवाब दिया तारा ने और हनुमत से कही सुनाए। देवर मेरे सुग्रीव है सक्षम उनसे सब दीजे करवाए। अंगद भर का हक नहीं तो ये तो धर्म से भी काया। जिम्मत करके बाली बोला सलत पद दे कहा। हिम्मत करके बाली बोला हे
जाऊं उसको कोई कष्ट न आए। तुम ही दादा भाई तुम ही हो माता पिता का सुख वो पाए। ए करुणानिधान, यह मेरा पुत्र अंगद है, इसको अपनी सेवा में रखना प्रभु। यह मेरे मरने के बाद आपकी सेवा करके मेरा गौरव को और ऊंचा बढ़ावेगा। बाली, यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? स्वामी का धर्म अपने सेवक पर सदैव कृपा करना ही होता है। जी पालकी है बाली की, उसमें काया ले